नमस्कार, मैं हूं सकरवार सुमंत और आप देख रहे हैं पीपी न्यूज 24। खबर जनपद गाजीपुर के सेवराई तहसील क्षेत्र के राजकीय धान क्रय केंद्र सेवराई से है, जहां पर असामाजिक तत्वों द्वारा गुरुवार को केंद्र प्रभारी के किसानों के धान खरीद करने के लिए बनाए गए रजिस्टर को फाड़कर व्यवस्था अपने हाथ में लेने का प्रयास करने की शिकायत के बाद उप जिलाधिकारी रमेश मौर्य को सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस बल के साथ पहुंचकर जानकारी लेते हुए केंद्र व्यवस्थापक को निर्देश दिया कि किसी भी कीमत पर किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और व्यवस्था अपने हाथ में लेने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय इंग्लिश मीडियम सेवराई के प्रांगण में यूपी स्टेट एग्रो द्वारा संचालित धान क्रय केंद्र पर किसानों द्वारा केंद्र संचालक पर बिचौलियों के माध्यम से धान खरीदे जाने का आरोप लगाते हुए अभी बातचीत ही चल रही थी कि इसी बीच कुछ लोगों द्वारा रजिस्टर छीनकर केंद्र व्यवस्थापक के किसानों के नंबर लगाए जाने वाले रजिस्टर को फाड़ दिया गया और गांव के ही कुछ लोग खुद नंबर लगाना शुरू कर दिए, जिस पर गांव के किसानों ने एतराज़ जताते हुए इसकी शिकायत उप जिलाधिकारी रमेश मौर्य से करने के बाद मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी रमेश मौर्य ने किसानों के समस्याओं की जानकारी लेने के बाद बताया कि धान की खरीद शुरू हो गया है, प्रतिदिन 300 कुंतल की धान खरीदारी किया जाएगा, यदि ज़रूरत पड़ी तो और कांटा बढ़ाया जाएगा। क्या है यहाँ पर धान क्रय केंद्र की स्थिति? शासन का 1 नवंबर से चालू है जो है, इसके बाद 23 नवंबर से धान खरीदा गया है जो कि पूरे सेवराई के किसी किसान को नहीं पता है और 2 रूम भर दिया गया, वो धान बिचौलियों के माध्यम से आया है। ये कौन किया है? केंद्र प्रभारी किया है बिचौलियों से मिलकर। किसी किसान को नहीं पता 2 दिन में ही धान 2 रूम भर दिए, किसके आधार पर, कैसे, कब से केंद्र चालू हुआ है? 23 तारीख से खरीदारी चालू की है, आज हम लोग को पता चला है। आज पता चला है तो आज गांव की खरीदारी हो रही है जी हाँ। और 2 रूम का क्या मतलब है? 2 रूम बीच कहाँ से धान है पते नहीं है, कहाँ से धान है पते नहीं है, 2 रूम भर गया है। हम लोग को न कोई सूचना है न जानकारी है। धान खरीदारी जो हो रही है इसके बावजूद भी आपने बिचौलियों के माध्यम से धान बेचा है? इसलिए कि हमको खाद और बीज की जरूरत थी और 4 दिन पहले मैं देखा केंद्र नहीं चालू है तो मैं अपना 100 क्विंटल धान 1200 रेट में बेच दिया, जबकि 1800 कुछ रुपया रेट है सरकार का। इसके बावजूद भी सरकार का कुछ पता ही नहीं था क्रय केंद्र खुलेगा कि नहीं, आप लोगों को कोई जानकारी नहीं थी? नहीं। अब 2 दिन से चला है, आज आए तो पता चला कि दो रूम भर गया है, पता नहीं कैसे। इस संदर्भ में उप जिलाधिकारी सेवराई रमेश मौर्य ने पीपी न्यूज 24 से बात करते हुए क्या बताया, आइए आप भी सुने उन्हीं की जुबानी। यहाँ पर धान खरीद शुरू हो चुका है और किसान अपने नंबर को लेकर के परेशान हैं। आज क्रय प्रभारी मौके पर नहीं है, उनका प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है। क्रय प्रभारी के आगमन कल आगमन उनका होगा और मेरी तरफ से उनको आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे कि टोकन और डेट सुनिश्चित करें, किसी भी किसान को कोई असुविधा ना होने पाए। प्रतिदिन कितने धान की खरीदारी की जाएगी सर? यहाँ पर क्रय प्रभारी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि लगभग 300 क्विंटल यहाँ उनकी क्षमता है खरीदने की, तो 300 क्विंटल प्रत्येक दिन वो खरीदने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे में आप तो कम से कम 20,000 क्विंटल के लगभग कैपेसिटी है यहाँ, तो फरवरी तक कैसे तो 100% धान खरीदारी किया जा सकता है? अभी हमारे पास पर्याप्त समय है और यदि कांटा बढ़ा करके हम उस व्यवस्था को करा सकते हैं तो कांटा बढ़ा करके खरीद को दुगना करने का प्रयास किया जाएगा। कोई केंद्र से कोई शिकायत वगैरह मिली है क्या आपको? नहीं, इस प्रकरण में आज मैं यहाँ आया था, कुछ किसानों को नंबर नहीं दिया गया और गांव के कुछ लोगों ने मिलकर के अपना एक नंबर तय किया, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करा करके जो व्यवस्था अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पीपी न्यूज 24 से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन के लिए घंटी पर क्लिक करें।